कि सत्संग मिलता रहा, माता और पिता का पूजा पाठ की वजह से मेरा भी वहाँ ध्यान लगता रहा, तो इस तरह से पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता रहा। और पढ़ाई का तो कोई विषय रहा नहीं मेरा, मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा सा ही एकदम बस अक्षर ज्ञान शायद हो, भगवान की क्या कृपा है वो तो भगवान ही जानते हैं, किस पे कब कैसी कृपा हो जाए। ऐसा कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होए तो कहते हैं मूक होए बाचाल पंगु चढ़े लंगे पंगे पंगु लंगते गिरिम, तो मतलब मूक होए बाचाल, जो बिल्कुल जिसकी जुबान नहीं है बोल नहीं सकता है वो बहुत मंत्र पढ़ सकता है अगर परमात्मा की कृपा, और जिसकी टांगें बिल्कुल काम नहीं करती हैं अपंग है वो पंगु लंगते गिरिम बड़े से बड़े पहाड़ पे चढ़ सकता है अगर उस परमात्मा की कृपा हो। तो मुझे भी ऐसा अनुभव होता है, विश्वास है कि वो इस प्रकार का ये जो मंत्र है ये मेरे पे पूरा चरितार्थ होता है कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को परमात्मा की जो कृपा का आशीर्वाद मिला, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला, और पूर्व जन्म का कोई संस्कार जो है वो जागृत हुआ, तो उसकी वजह से इस प्रकार का जीवन जो है परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री चरणों में वहाँ पर पहुँच करके दर्शन और भगवान का जो दिव्य अलौकिक जो प्रेममय आनंदमय स्वरूप जो है परमात्मा का, उसका दर्शन हुआ और कुछ मन के भाव होंगे वो भी पूरे हुए। और मनोकामना तो वास्तव में मेरी कोई नहीं है, मैं अभी भी कोई मेरी मनोकामना नहीं रहती, जैसा परमात्मा प्रेरित करते हैं, जैसा वो प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से कार्य करने हैं तो वो कार्य उनके होते हैं, वही करवाते हैं, हम कैसे पीछे हो सकते हैं। ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है तो जो पीछे मालिक बैठा होता है, लग रहे थे बुजुर्ग थे लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से बातचीत की कि मैं मथुरा से आया हूँ और मथुरा में गोवर्धन गांव है हमारा, राधा कुंड गाँव गोवर्धन में, तो वहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ा किला था हम लोगों ने राजाओं का, वो खरीदा भाइयों ने और सबके बट में सबके हिस्से में अलग अलग पोर्शन, जैसे अलग अलग ये वाला हिसान होते थे कि आवाजें क्या आती है नीचे से, खड़खड़ाहट होती थी, तो हम लोग परिवार के लोग एक दिन विचार किए कि देखते हैं दीवार तोड़ते हैं उस किले में जहाँ वो लोग रहते थे, दीवार तोड़ी तो वहाँ पे सीढ़ियाँ निकली तो नीचे देखा एक बहुत बड़ा बच्चा है और उस जीवंसी वाले भगवान बांके बिहारी वहाँ पर साक्षात विराजमान उस बक्से में। तो उन्होंने फिर वहाँ के संतों को बोला, कुछ विद्वान ब्राह्मण समाज को बोला, तो लोगों ने वहाँ बड़ा उपद्रव किया कि भाई ये आता है, उसे सपने में आता है बारंबार कि भाई बद्रीनाथ दर्शन करना है, बद्रीनाथ जी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो वो रोज सुबह अपने विद्वान अपने मित्रों को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे ये दृश्य मुझे दिखते हैं, तो लोगों ने कहा ये तो बद्रीनाथ है। उन्होंने बातचीत सुनाई कि रात को मैं सोया, जब आपको मैंने रात को देखा तो मैं रात को सोया तो मुझे रात को एक बहुत बड़ा कोई प्रकाश दिखता है और उस प्रकाश में से साक्षात यही ठाकुर जी हमारे निकले और उसमें से एक वृद्ध महात्मा, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं उनकी उम्र का कोई मालूम नहीं कि रहे हैं, उस प्रकाश में से जब ठाकुर जी निकले तो वो कह रहे हैं ये जो वृद्ध जो संत हैं मैं इसका, लेकिन ठाकुर जी को जब वो बोला कि मैं इसका हूँ तो वो इशारा करते हैं कि नहीं मेरे नहीं, इशारा किया दूसरी तरफ तो वहाँ एक छोटा बालक है और बहुत छोटा बालक 8-10 साल का जो भी एक अवस्था का दिखोल रहे हैं बुजुर्ग जो संत हैं कि मैं नहीं तुम इसके हो ही थे, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने जैसे बोला तो मेरे को एकदम हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हुए, मैंने उनको बोला कि जब ठाकुर जी निकले तो क्या आपने विद्वान लोग जो वहां के हैं उनको क्यों नहीं दिए हो, तो मेरी अमानत समझ के मुझे दे दो, ये अमानत मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहाँ से बोला मुझे पता ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आया मैंने कैसे बोला, हम दोनों आपस में बहुत रोए। फिर उसके बाद बोला कि ये अमानत कैसे बोला आपने, तो मैंने कहा आप ठाकुर जी की जब मैं चर्चा करूंगा
तो आप अगर बोलेंगे कि ये मेरी अमानत है तो तभी मैं आपको दूंगा। तो ये आपने क्लियर कर दिया, बोल दिया ये ठाकुर जी आप ही के थे, आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, आप आइए और आकर के अपने ठाकुर जी मथुरा वृंदावन से गोवर्धन से ले जाइए। और दूसरा यही खत्म करेंगे।